अलजब्बार का मतलब क्या है मालूम है आपको? अलजब्बार, अलजब्बार जबर से आता है, मतलब कि जबरदस्त ताकत वाला। हाँ, मतलब अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की भी मर्जी नहीं चलती है। अल्लाह ताला के हुक्म हो, अल्लाह की मर्जी हो, कोई उस चीज को होने से रोक नहीं सकता, और अल्लाह ताला रोकना चाहे कोई उस चीज को कर नहीं सकता। अल्लाह के हुक्म है, कोई नाफरमानी करे, लोगों को क्या लगता है मालूम है? क्या लगता है? सुनो, लोगों का लगता है कि अल्लाह के हुक्म है, हम लोग नाफरमानी करेंगे कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है उनको। ऐसा लगता है कि हम लोग बच के कुछ रास्ता निकाल लेंगे, अल्लाह ताला हमें नहीं पकड़ सकेगा, अल्लाह ताला हमारी गिरफ्त नहीं कर सकेगा। लेकिन सही बात क्या है? उनकी बात रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मालूम है? एग्जाम चल रहा है, अल्लाह ताला ने इंसान को चॉइस दिया, चाहे तो शुक्रगुजार बनो, चाहे तो इनकार करने वाले बनो, चाहे तो अच्छे काम करो, चाहे तो बुरे काम करो। एग्जाम के अंदर आपने एग्जाम में बैठे हैं, सिलेक्ट द राइट आंसर होता है ना, सही जवाब लिखो, चुनो। उसके अंदर गलत जवाब होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। सिलेक्ट द राइट आंसर में गलत जवाब भी होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। किसने डाला वहां पे वो गलत जवाब? नहीं होता है। सिलेक्ट द राइट आंसर, चार आंसर दिए हैं, सही जवाब चुनो। हाँ, तो फिर क्या होता है? एक आंसर सही होता है कि चार सही होते हैं? एक आंसर, एक सही होता है, और तीन क्या होते हैं? गलत। वो गलत आंसर आए कहां से? लिखे आए कहां से? टीचर ने डाले? हाँ। जानबूझ के डाले कि बाय मिस्टेक डाले? बाय मिस्टेक डाले। जानबूझ के डाले? जानबूझ के। बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक। टीचर ने बाय मिस्टेक डाल दी तीन। हाँ। टीचर की गलती हो गई? नहीं। फिर जानबूझ के डाले। आप एक्सप्लेन करो इनको। एग्जाम में टीचर बाय मिस्टेक डालेंगे? नहीं ना। तो फिर ये जो चार ऑप्शंस है ना, इसमें से आपको चेक कर रहे हैं कि आपको सही आंसर मालूम है कि नहीं मालूम है। टीचर क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं कि आपको सही जवाब मालूम है या नहीं मालूम। ये तीन रॉन्ग आंसर वहां क्यों है? क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम चीटिंग ना कर सके, ताकि चेक करने के लिए आपको सही मालूम है कि नहीं मालूम है। सही, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसा देखे नहीं हो आपने स्कूल में? रीडिंग करते फर्स्ट वर्ड देखते सही है तो उन लोग समझते सब सही है, चलो सब पे रीड नहीं करते, सब पे राइट राइट लगा देते। नहीं नहीं, सिलेक्ट द राइट आंसर में एक आंसर सही होता है और बाकी आंसर्स गलत होते हैं। क्यों डाले गए? जानबूझ के डाले गए। क्यों डाले गए? चेक करने के लिए। चेक करने क्या ये पढ़ाई करते हैं कि पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए? समझ रहे हैं आप पूर्वा? हाँ। अब देखो, दुनिया में ना सही रास्ता भी है और गलत रास्ते भी है। आपको सही जवाब, सिलेक्ट द राइट आंसर करना है, और अल्लाह की मर्जी अगर नहीं मानोगे तो उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अच्छा करेंगे तो भी मिलेगा, गलत करेंगे तो भी मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह के नामों में क्या नाम हमने देखा? अल जब्बार याद रहेगा इंशाल्लाह, जिंदगी में याद रखेंगे। अल जब्बार के हुक्म को तोड़ेंगे? अल जब्बार के हुक्म को तोड़ेंगे नहीं, और तोड़ेंगे तो पछताएंगे, इसलिए तोड़ना नहीं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना। ओके इंशाल्लाह। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।